हाय गाइस वेलकम बैक टू नॉस्टैल्जिक स्टोरीज मेरा नाम है मंडल आपका प्रिय नैरेटर आज की कहानी है सत्यजीत राय की लिखी गई बादशाही अंगूठी पार्ट सिक्स इस पार्ट को आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा साथ ही लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले तो शुरू करते हैं आज की कहानी बादशाही अंगूठी पार्ट सिक्स जब हम सब गाड़ी की ओर बढ़ रहे थे तब मैं और फेलूदा पीछे रह गए बाकी सब आगे धीरे धीरे चलते हुए जा रहे थे बातें करके मगर मैं और फेलूदा बिल्कुल चुप मैं किसी भी तरह फेलूदा को फुस फुसा कर पूछा फेलूदा वो पत्थर तुम्हें मार रहा था या उसको फेलूदा ने अपने दांतों के ऊपर दांत कर कहा अगर उसको मारता तो वो चुप बैठता क्या हल्ला रेसिडेंसी का बाकी के बचे हुए नीचे गिर जाते उसके आवाज से। मुझको भी वही लगता है लेकिन एक चीज मुझको मिला है वो आदमी भागते वक्त पीछे भूल गया था क्या क्या ये देख ये कहकर फेलुदा ने अपने मुट्ठी में रखे एक चीज को मेरी ओर बढ़ा दिया मैंने जब उस चीज को ध्यान से देखा तो मुझे समझ में आया कि वो एक नकली दाढ़ी है वैसे इस केस में ऐसा क्या मज़ेदार है तभी मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था फेलुदा अपने नोट में कुछ तो लिख रहे थे बाद में मैंने उनका नोट धीरे धीरे चोरी से देखा लेकिन मुझे एक अक्षर तक समझ में नहीं आया क्योंकि वो पूरा और ही भाषा में लिखा गया था तांगे पे चढ़कर फेलुदा ने रिक्शे वाले से कहा ये कौन सी जगह है यहाँ का चौरंगी सिर्फ नवाबी चीजों के अलावा भी कुछ तो है देखने के लिए लखनऊ में। आज हम थोड़े से शॉपिंग करने वाले हैं, वरना हम दुकान घूम कर देखेंगे कल रेसिडेंसी से निकलने के बाद हम वन विहारी बाबू के घर कॉफी पीने के लिए गए थे उसी वक्त में मैंने उनका मिनी जू एक बार और देख लिया वही रैटल स्नेक वही हायना वही स्पाइडर और वही स्कॉर्पियन कॉफी पीते पीते फेलूदा ने वन बिहारी बाबू से पूछा उस दरवाजे में उस दिन भी ताला देखा था आज भी ताला ऐसा क्यों वन बिहारी बाबू ने अपने चाय की प्याली से एक सिप पिकर बोले हाँ वो मैं इधर जब से आया हूं तब से बंद करके रखा हो अगर खुला एक दो बार तो इतना सफाई का प्रॉब्लम रहता है समझ रहे हो ना तुम अगर ऐसा है तो फिर वो ताला जरूर बदला गया होगा क्योंकि इसमें तो अभी तक रेस्ट नहीं पकड़ा है वन बिहारी बाबू फेलूदा के तरफ एक तिरछी नजर और एक मुस्कुराते हुए शक्ल को लेकर कहे <laughs> हाँ तुमने सही पकड़ा है क्योंकि इसके पिछले बार के ताले में इतना रश लग चुका था कि इसको मजबूरी से ही बदलना पड़ा मेरे पिताजी ने कहा हम सोच रहे हैं कि अभी हरिद्वार और लक्ष्मण झूला घूम कर आएंगे वन बिहारी बाबू ने पूछा तो फिर आप कब जा रहे हो अगर परसों निकल रहे हो तो फिर मैं भी आ सकता हूँ क्योंकि मुझे एक बार मेरे बारह फुट लंबे अजगर को देखने के लिए वहां जाना ही पड़ेगा और फेलुदा ने अभी जो ये सब तहकीकत चालू किए है उससे तो लगता है कि कुछ दिन के लिए अगर शहर छोड़कर निकले तो हम सबके लिए ही अच्छा होगा मेरा जाने का तो सवाल ही नहीं बनता क्योंकि इधर मुझे बहुत सारे काम हैं और मैं सोच रहा हूँ कि तुम दोनों जाकर घूम कर आओ तो फेलू अगर इतने दूर आए हो और लक्ष्मण झूला और हरिद्वार नहीं देखकर वापस गए तो फिर सोच लो तुमने लखनऊ का कुछ नहीं देखा तुम दोनों को जाना चाहिए अगर मेरे साथ निकले तो एक फायदा ही है उधर मेरा एक बहुत ही खास दोस्त का आश्रम है हम वहां ठहर जाएंगे और वहां से लक्ष्मण झूला पहुंचने के लिए गाड़ी का बंदोबस्त भी मैं ही कर दूंगा फिर हमने ये ठीक कर लिया कि परसों शुक्रवार को ही हम यहां से निकलने वाले हैं लक्ष्मण झूला देखने के लिए और सच बोलू अगर धीरू काका कहते कि वो भी हमारे साथ ही चलेंगे तो मैं और भी खुश होता आज सुबह फेलुदा ने मुझसे कहा दाढ़ी काटने का ब्लेड खत्म हो गया तुमसे चल मार्केट में जाते हैं अगर उधर खाली हाथ गया तो मैं अकेले फंस जाऊंगा तू भी चल जाके थोड़े ब्लेड्स लेकर आते हैं और हो सके तो घूम भी लेंगे उस टांगे से निकल पड़े सुबह सुबह कल से देख रहा हूँ फेलुदा अंगूठी के बारे में और एक शब्द भी नहीं कह रहे हैं मैं टांगे में चलते हुए ये सोच रहा था कि फेलुदा ने अपने नोट्स में वो क्या लिख कर रखा था वैसे देखने में अंग्रेजी शब्द के जैसे ही थे लेकिन उसका मतलब कुछ भी नहीं ठहर रहा था गाड़ी में चलते हुए अपने क्यूरियोसिटी को नहीं दबा कर ही मैंने फेलुदा से वो सवाल पूछ ही लिया लेकिन इसके बाद एक चीज कह देता हूँ सबसे पहली बात फेलुदा का नोट में छुप कर पड़ा इसके लिए वो बहुत गुस्से हो गए थे तूने ये सबसे गंदा काम किया है इस चीज के लिए तुझे क्रिमिनल भी कहा जा सकता है फिर थोड़े से नरम होकर ही वो कहे और उस शब्द को तू जानने के लिए पूरा उम्र लगा देगा लेकिन फिर भी तुझे नहीं पता चलेगा तेरा दिमाग उतना नहीं है लेकिन वो कौन से भाषा में है हिंदी लेकिन लिखा भी हिंदी से तो नहीं गया है ग्रीक लेकिन तुम ग्रीक भाषा कब सीखे वो मैं बहुत सालों पहले सीखा था जब मैं फर्स्ट ईयर में था तब बीटा गामा डेल्टा अपसालन ये सब जाना तेरे है हैसियत के बाहर है तो फिर लखनऊ क्या ठहरेगा ग्रीक में लिंडा लिंडा यू ओ माय क्रॉन लेटर सी ग्रीक भाषा में नहीं है उसीलिए ग्रीक में वो पूरा नाम होगा एल यू के एन ओ यू चौरंगी कहना गलत होगा क्योंकि हजरतगंज के हर एक इलाका जैसे रंग से भरे पड़े हुए थे मैंने उनसे कहा वो देखो फेलुदा, मनीहरी का शॉप है वहाँ वहाँ शायद से तुम्हें तुम्हारा ब्लेड मिल सकता है रुक जा एक और काम है जो पहले कर लेना होगा फेलुदा एक दुकान की तरफ जिसके बाजू के लाल होर्डिंग के ऊपर लिखा था मलकानी एंड को एंटिक्स शॉप शीशे के अंदर झांककर मैंने देखा कि पूरे शॉप में सिर्फ पुराने चीज़ें हैं यानी कि पुराने जमाने की चीज़ें जो शायद से इस जमाने में बहुत कीमत रखती होगी उसी शॉप में से एक बूढ़े आदमी सोने के फ्रेम किए हुए चश्मा पहनकर हमारे तरफ चलकर आए फीलुदा ने पूछा बादशाही जमाने का कोई जहरत आपके पास इधर मौजूद है ने कहा प्यारी लाल के पास मैंने बहुत सारे ऐसे जहरत देखे थे। और मुझे तो लगता है वो आपके ही शॉप के बड़े हिस्सेदार होंगे। क्यों? सही है ना वो दुकानदार जैसे आसमान से गिरा बड़ा हिस्सेदार कौन है ये प्यारी लाल भाई साहब मैंने तो ऐसा किसी का नाम नहीं सुना क्यों प्यारी लाल सेठ जो कुछ दिन पहले ही गुजर चुके हैं मलकानी अपने सर को इधर से उधर हिलाकर कहे नहीं मेरे पास से तो कभी किसी भी चीज का मांग नहीं किया उन्होंने और मेरे से बड़ा दुकान ये पूरे शहर में कहीं नहीं मिलेगा आई सी इसका मतलब वो जब कलकत्ता में थे तभी वहां से खरीदे थे यहाँ पे बड़े हिस्सेदार आप किसको मानते हैं मलकानी का शक्ल देखकर मैं ये समझ गया था कि लखनऊ शहर में कोई बड़े कारोबार उनसे होते नहीं है विदेशी टूरिस्ट लोग कभी आके बड़े बड़े चीज़ें सस्ते वरना महंगे खरीद के लेके जाते हैं वरना उनके अलावा हाँ मिस्टर मेहता है एंड मिस्टर पश्चन जी बहुत ही पुराने कस्टमर है हमारे यही तो कुछ दिन पहले तीन हजार का कारपेट लेकर गए हा शीरण से मंगवाया गया था फिरूदा अचानक एक हाथी के दांत का बनाया हुआ आइवरी का एक बोट देखा कर कहां वो बांग्लादेश का है ना हम मुर्शिदाबाद देख रहा है तोपछे इस नाव को कैसे बनाया है सच में इतना खूबसूरत हाथी के दांत का वो भी बनाया गया एक नौ का मैंने मेरे जिंदगी में कभी नहीं देखा था लेकिन यह आपको कहां से मिला? फेलुदा ने ये जवाब शॉपकीपर से पूछा उन्होंने जवाब दिया यही तो मिस्टर सरकार ने दिया था मुझको कौन सरकार मिस्टर बी सरकार जो बादशाह नगर में रहते हैं। अच्छा ठीक है थैंक यू आपके शॉप में बहुत ही मजेदार चीजें रखे गए इसको अच्छे से संभाल कर रखा थैंक यू ये कहकर फिलुदा अंदर से बाहर निकल कर आए और मुझसे कहा इसका अर्थ ये होता है तो कि वन बिहारी बाबू को क्यूरियो का भी शौक है। लेकिन फिलुदा उन्होंने तो ये कहा था कि उनको ये सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है इंटरेस्ट नहीं रहने पर एक अंगूठी के सारे पत्थरों को देखकर कैसे कह सकता है कौन सा क्या है वैसे तो उप एक बात सुन के रख झूठ इसलिए बिक जाता है क्योंकि सच को खरीदने की सबकी औकात नहीं होती तो दोस्तों इतने देर तक आप सुन रहे थे अंगूठी पार्ट सिक्स हमारे ऑडियो स्टोरीज में एक दिन के डिले के वजह से मैं आपसे माफी मांगता हूं लेकिन हम पर भरोसा रखिए हम हर रोज कोशिश करेंगे नया ऑडियो स्टोरीज अपलोड करने के लिए तो कल ही लेकर आएंगे आपके लिए पार्ट सेवन तब तक स्टे ट्यून्ड